फिर से एक बार आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। पिछली बार की तरह हम आपको नए नए मशीन्स लेकर उसकी ऑपरेटिंग डिटेल्स, प्राइसिंग वगैरह बताएंगे। बहुत सारे लोगों की कॉल आने शुरू हो गए हैं हमें, सभी को हम रिप्ले नहीं कर पाते कभी कभी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको उसके डिटेल्स नहीं देंगे। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बार बार हमें पूछिएगा कि प्राइसिंग की डिटेल्स या कैटलॉग के लिए। और मेरी बात ख़ास उनसे है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट मांगते हैं। उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि बार बार लो क्वालिटी प्रोडक्ट हमसे ना मांगे और हम दे भी नहीं पाएंगे आपको। टेकोनिका कंपनी की एक जो ब्रांड बन चुकी है और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जो ब्रांड बन चुकी है, उस ब्रांडिंग को हम तोड़ना नहीं चाहते और लो क्लास प्रोडक्ट्स को हम बेचना भी नहीं चाहते। सो जो चीज़ HR के थ्रू, क्वालिटी टेस्ट के थ्रू पास होती है, वही चीज़ बेची जाती है। जो पास नहीं होती उसको हम रोक लेते हैं। और आने वाले वीडियोस में हम ये मशीन्स में फ्रॉड कैसे होता है वो भी लीक कर देंगे आपको, वो आपको भी पता चल जाएगा, ताकि आप भी दूसरों के प्रोडक्ट्स ना ख़रीदें। तो अगर लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए तो बहुत सारे कंपनी से प्लीज़ वहाँ से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। बार बार हमें तंग मत कीजिएगा कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए करके। और डीलर्स को भी मैं ख़ास निवेदन करता हूँ कि वो भी हमसे लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स ना मांगे। क्लाइंट तो बहुत मांगेगा, उसको तो पता नहीं होगा, क्लाइंट को आपको बताना होगा कि ये कौन सा प्रोडक्ट अच्छा होता है, कौन सा अच्छा नहीं। प्लीज़ क्वालिटी को ना गिराएं, कभी हम गिराएंगे भी नहीं। अब इसकी डिटेल्स मैं बता दूंगा, इससे पहले कि डिटेल्स बता दूं, आप थोड़ा सा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। जैसा कि आप मेरे सामने एक मशीन देख रहे हैं, इसमें तीन मशीन्स हैं, IFT, MS और TENS। इसमें अल्ट्रासाउंड नहीं है और ये मशीन मैनुअल मशीन है और माइक्रो कंट्रोल्ड बेस्ड मशीन है। आपको जैसा कि दो स्क्रीन्स दिख रहे हैं, IFT और ये IFT का दूसरा स्क्रीन। जैसे ही आप मेन प्लग को ऑन करेंगे, बटन ऑन करेंगे, आपके सामने एक स्क्रीन बन जाएगा छोटा सा। टाइमर को इंक्रीज़ करेंगे, जैसे ही टाइमर इंक्रीज़ करेंगे आपको क्लिक साउंड आएगी। जैसे ही क्लिक साउंड आएगी, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर IFT ऑन करना चाहते हैं तो ये स्विच ऑन कीजिएगा, ऑन हो जाएगा। याद रखिए, जब तक आप टाइमर नहीं बढ़ाएंगे मशीन ऑन नहीं होगी। और क्योंकि ये मैनुअल मशीन है, हर बार ध्यान रखिएगा कि टाइमर, ये आपकी इंटेंसिटी नॉब कहीं बढ़कर ना हो। अगर बढ़कर होगा तो आपके पेशेंट को सडन करंट पास होगा, इसलिए हर वक्त इंश्योर कर लीजिए कि ये ज़ीरो पर ही बैठे। बैलेंस को हमेशा बीच में रखना है, क्योंकि आपको दोनों एक समान करंट्स आने के लिए बैलेंस को बीच में रखना है। अब चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। IFT को हमने टाइम बढ़ा लिया, मशीन का बटन ऑन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, स्कैन 0 टू 50, 50 टू 80, 80 टू 150 और 150 टू 80,000। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप कौन सा भी ऑप्शन सेट कर लीजिएगा। सेट करने के बाद आपको नीचे वाला सेट करना है, 4 पोल चाहिए, 2 पोल चाहिए और 4 पोल वेक्टर चाहिए। जैसे ये नीचे का सेट हो जाएगा, यानी मैंने 4 पोल सेट कर दिया, फिर ऊपर जाऊँगा, स्कैन के बटन को दबाऊंगा, अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो भी सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद स्टार्ट बटन को दबाऊंगा। जैसे ही स्टार्ट बटन दबाऊंगा, आपके सामने एक रेडी का सिग्नल आ जाएगा। उसके बाद आपको 2K Hz चाहिए या 4K Hz, आपके मर्ज़ी के अनुसार आप इसको सेट कर लीजिएगा। जैसे ही ये सेटिंग हो जाएगा, आपको तीसरा काम करना पड़ेगा, बेस और स्वीप को सेट करना है। याद रखिए, जब भी बेस और स्वीप आप सेट करते हैं, दोनों में एक डिफरेंस होना चाहिए। अगर मान के चलिए मैं ये रख रहा हूँ 140 और ये रहेगा 150, तो दोनों के अंदर डिफरेंस बनेगा 10, यानी 10 की बीट फ्रीक्वेंसी आपके पेशेंट के ऊपर बनेगी। मिसाल के तौर पे फिर मैं यहाँ लेके जाता हूँ 100, ये 150। अब दोनों का डिफरेंस बन गया
50, तो 50 की बीट फ्रीक्वेंसी बनेगी। जितना डिफरेंस बनाना चाहते हैं उतना दोनों में डिफरेंस बढ़ाइएगा, उतनी बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जितनी बीट फ्रीक्वेंसी होगी उतना जल्दी आपको कम होगा। आइडियल बीट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 70 to 100 रहेगी, ठीक है। जैसे ही आप बीट फ्रीक्वेंसी सेट करके रख देंगे, ये बार बार आपको सेट करना नहीं है, ये तीन बटन्स एक ही बार सेट करके छोड़ दीजिएगा। स्लोली आपको इंटेंसिटी बढ़ाना है। देखिएगा ऊपर के स्क्रीन में आपको इंटेंसिटी बढ़ती दिखाई दे रही है। इसमें एक बात याद रखिएगा, लास्ट में इंटेंसिटी बताता हूँ इसको, 50 into 2 यानी 100 की बीट फ्रीक्वेंसी आपको इंटेंसिटी चल रही है 100 की, लेकिन क्योंकि यहाँ का कंट्रोलर स्पेस छोटा होता है, आपको मेन स्क्रीन पर सिर्फ 50 इंटेंसिटी दिखाई देगा, लेकिन पेशेंट को एक्चुअली में 100 की इंटेंसिटी जा रही होती है। और ध्यान रखिएगा ये कंट्रोलर जो होता है ना, ये बहुत सेंसिटिव होता है कभी भी, और इसके अंदर एक रेसिस्टर लगा हुआ होता है, और वो रेसिस्टर डैमेज नहीं होना है। अगर मशीन आपको बहुत लॉन्ग लाइफ देना है तो इसे धीरे से हल्के से एक एक पॉइंट करके डाउन कीजिएगा, क्योंकि आपको रेसिस्टर डैमेज नहीं होगा। अगर क्या फट से आप ऐसे फिरा देंगे इसको, सडन से रेसिस्टर के अंदर ज़्यादा करंट आ जाएगा और वो काम करना बंद कर देगा। चलिए मैं इसे डाउन कर रहा हूँ स्लोली। IFT को मैंने ऑफ कर लिया। अब इसका मैंने आउटपुट बताना भूल गया था, ये MS का आउटपुट है, ये TENS का आउटपुट है, टू चैनल मशीन आती है ये, और ये IFT का। ये देखिए, जैसे कि आप हर IFT में देखते हैं कि 4 पैड्स लगे होते हैं और 4 डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं, लेकिन इसमें एक ही कनेक्शन है जहाँ से 4 वायर निकलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बढ़ा के रखा है मैंने। अब मैं TENS को ऑन करता हूँ। मैंने TENS ऑन कर लिया, मशीन ऑन हो गई। ये तो स्क्रीन सिर्फ IFT में आता है, बाकी किसी में नहीं आता है। चैनल 1 ऑन करेंगे, चैनल 2 ऑन करेंगे तो लाइट आ गई, चैनल 1 ऑन करेंगे तो लाइट आ गए। अब ये देख लीजिएगा, देखिए जैसे आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, आप लाइट की बीपिंग देख शायद वीडियो में देख रहे होंगे, ये बीप थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, और कंटिन्यूसली जैसे ही आप बढ़ाएंगे स्टैटिसिटी इसमें आ जाएगी। आइडियल बीप फ्रीक्वेंसी रहेगी 100 to 150 के रेंज में। आप 250 रखना चाहते तो भी रख लीजिए अपने पेशेंट के अनुसार। फिर जैसे ही आपका काम ख़त्म हो जाएगा, आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है TENS में, तो ये चैनल को बढ़ाएंगे स्लोली आपके पेशेंट को पूछते हुए बढ़ाएंगे, फिर स्लोली से ऑफ कर देंगे। याद रखिए ये मैनुअल जब भी यूज़ करते हैं ना तो आराम से यूज़ करना है। चलिए TENS का भी मैंने ऑपरेटिंग बता दिया आपको, अब MS का बताऊँगा। MS हमने ऑन कर दिया। ये देखिए सर्ज्ड फैराडिक, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, फैराडिक, सर्ज्ड फैराडिक, ठीक है, और इंटरमिटेंट गैल्वेनिक का ऑप्शन है। फैराडिक और सर्ज्ड फैराडिक में फ़र्क क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये तक भी पता नहीं होता है, और इसलिए वो सही से ट्रीटमेंट नहीं देते पाते हैं। फैराडिक में इंटरवल नहीं होता है, कंप्लीट मसल का कॉन्ट्रैक्शन एक ही साथ होता है, और सर्ज्ड फैराडिक में आपको एक इंटरवल, एक 0.01 सेकंड का या 1 सेकंड 2 सेकंड का आपको इंटरवल मिलेगा। फैराडिक में आपको कोई भी इंटरवल नहीं होगा, और सर्ज्ड फैराडिक में आपको इंटरवल होगा, इतना सा डिफरेंस है। अब देखिए आप, अगर आप सर्ज्ड फैराडिक, ये ऑफ है, ये फैराडिक पे है, जैसे ऑन करेंगे क्लिक करके साउंड आएगी तो सर्ज्ड फैराडिक पे जाएगा। सर्ज्ड फैराडिक पे आप रीडिंग देख पा रहे होंगे, शायद आप 5 सेकंड्स रख लेंगे तो 5 जितना भी देर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर 5 सेकंड के लिए आपको रिलैक्सेशन देगा, फिर अपने आप कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। जैसा कि आप ब्लिंकर देख सकते हैं, अब कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, ऑफ, फिर ये ऑन हो गया, फिर रेस्ट देगा आपको। ये आप बढ़ा भी सकते हैं, देखिए जैसा कि अब कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, लंबा कॉन्ट्रैक्शन चलेगा, लंबा वक्फा चलेगा, ठीक है ना, आप समझ चुके होंगे। अब इंटरमिटेंट गैल्वेनिक, इंटरमिटेंट गैल्वेनिक क्या है सर, एक छोटा कोई आपको स्केल लेके जल्दी जल्दी से मारेगा तो कैसे महसूस होगा, सेम वैसे ही महसूस होगा। देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये इंटेंसिटी है, आपके पेशेंट के अनुसार आप इंक्रीज डिक्रीज आपके मर्जी के अनुसार कर लीजिए। ये थी इसकी बेसिक ऑपरेटिंग। चेकिंग तो मैंने इसमें नहीं बताया, अगर चेकिंग बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी 10 मिनट होने वाले ही हैं। सो फ्रेंड्स, फिर से एक बार आपको बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।